साथियों, आप सबों के मन के अंदर विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूं और इस विश्वास के साथ कि आज दोस्तों कोरोना वायरस का पूरा प्रकोप विश्व स्तर पर फैला हुआ है और इस कोरोना वायरस को हमको आपको मिल करके लड़ करके इसको परास्त करना है। तो साथियों, इसको परास्त करने के लिए कैसे परास्त करेंगे उससे संबंधित मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा जंग नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे और उसे जीतेंगे ही और उसको सत्यानाश भी हम करने का औकात हम सभी रखते हैं। तो साथियों, कहानी इस प्रकार है। एक गांव में संत महात्मा रहते थे, साधना वो करते थे और साधना के क्रम में गांव वाले उनका रख रखाव करते थे। इसी क्रम में वहाँ यमराज आए और यमराज आए तो संत महात्मा से मिले और उन्होंने कहा कि इस गांव से 100 आदमी को मौत हो गया है, उनको हमको ऊपर ले जाना है। तो महात्मा ने बोला कि ठीक है, 100 आपने कहा है तो 100 यहाँ से आपको इजाज़त मिलती है और आप जाइए अपना काम करिए। और यमराज पूरा 3 महीना तक गांव में विचरण करते रहे और 3 महीना के बाद ऐसा हुआ कि उस गांव से 1000 आदमी मर गए और 1000 आदमी मर गए। तो मरने के क्रम में जब वो लौट रहे थे तो फिर संत से मुलाकात किए और संत महोदय बोले कि आपने 100 का बात किया था और ये 1000 आदमी को आप यहाँ से ले जा रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है। तो यमराज ने कहा, महात्मन, ऊपर से जो आदेश था 100 का था, 900 आदमी हदस में मर गए और जो 900 आदमी हदस में मर गए उसका कोई लिस्ट नहीं है महात्मन, और हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो साथियों, ये कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी कहावत है कि डर गया सो मर गया, लेकिन दोस्तों डर के आगे जो जीत वाला शब्द है, जीत तभी आता है जब हमारी डर से संघर्ष करने का हम में अंदर से ताकत डेवलप कर लेते हैं। और साथियों, हम गूगल में तो बहुत विचरण कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अंदर भी एक गूगल है। उस गूगल के अंदर वही गूगल हमारा मन है और उस गूगल को जिस दिन आप समझ पाएंगे और उस गूगल को ऑन कर लिए तो कोरोना वायरस तो क्या, इससे बड़ी बड़ी वायरस से सामना करने की शक्ति अंदर से आती है। और दोस्तों, ऐसे भी एक कहावत है कि जो साहसी व्यक्ति होता है वो पूर्ण बहुमत में होता है और आप, हमको भरोसा है कि उस साहस से कोरोना वायरस से तो लड़ेंगे ही, उससे और ज़्यादा मुसीबत भी आए तो उससे सामना आप करने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए मैं इस लास्ट 2 पंक्ति के साथ आपके साथ शेयर करता हूं कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर यदि अपनी हिम्मत न हारे, मुसाफिर यदि अपनी हिम्मत न हारे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी लांघा है समंदर, अभी तो पूरा का पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा का पूरा आसमान अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।